ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी हुई रातों रात बंद। कोरबा के हर गली मोहल्ले से लोगों ने लगाया था इस कंपनी में पैसा। साइबर फ्रॉड करने वाले हर वक्त कोई ना कोई नया तरीका निकालते रहते हैं। कभी आधार के नाम पर फ्रॉड तो कभी लोन देने के नाम पर फ्रॉड। पिछले 6 माह से एक कंपनी के द्वारा लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया जा रहा था और लोग आंखें बंद कर इस कंपनी पर विश्वास कर रहे थे और बिना सोचे समझे लालच में आकर इस कंपनी में पैसा लगा रहे थे और अपने परिचितों को भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हालात ऐसे थे कि कोरबा जिले सहित तो पूरे छत्तीसगढ़ के हर गली मोहल्ले से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। कंपनी कहाँ की थी, कौन मालिक है, किसी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं, लेकिन कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने की लोगों की मानसिकता ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देती है। शुरुआत में 3,000 रुपये लोगों से इन्वेस्ट कराया गया, जो कंपनी के बंद होने पर 6,000 तक हो गया था। जिन्होंने शुरुआती दौर पर पैसा लगाया था उनकी रकम तो वापस आ गए, लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में आकर बहुत से लोगों ने 6,000 और ज़्यादा रकम इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। स्थिति ऐसी थी कि जिसे देखो वह इस कंपनी के बारे में ही बात कर रहा था और एक दूसरे को इस कंपनी में पैसा लगाने की समझाई से देते नजर आते थे। कंपनी के द्वारा पिछले 2-3 दिनों से पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोगों से KYC अपडेट करने को बोला जा रहा था। वर्तमान में कंपनी का ऐप पूरी तरह से बंद हो चुका है, तब जाकर लोगों को ठगी का एहसास हो रहा है। लोगों को समझना होगा किसी भी कंपनी 15 दिन में लोगों को समझना होगा कि कोई भी कंपनी 15 दिन में पैसे डबल कर नहीं दे सकती। पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को हर संभव जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लालच में आकर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसी ठगी का शिकार होते हैं। बहरहाल अभी भी लोगों को उम्मीदें हैं कि कंपनी फिर से शुरू हो जाएगी और उनका पैसा वापस आएगा।